आई एम ग्लैड मैंने ओमेगा गॉड 2 का टीजर देख के अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं किया। ओमेगा गॉड 2 से रिलेटेड जितनी भी खबरें बाहर आ रही थी उन्हें सुनने के बावजूद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं जब फिल्म देखूंगा तभी अपना ओपिनियन फॉर्म करूंगा। ओमेगा गॉड 2 की स्टोरी का जो आउटलाइन है वो सेम अपने पहले पार्ट की तरह है। यहाँ कांति चेंज हुआ है, कांति के प्रॉब्लम्स चेंज हुए हैं और भगवान भी चेंज हुए हैं। सीबीएफसी द्वारा फिल्मों में कई चीजों को चेंज कर दिया गया है लेकिन फिल्म देखते टाइम उन सब चीजों को आपका दिल मानता नहीं है। कांति मुद्गल महादेव नगरी के निवासी है और एक सच्चे महादेव भक्त। अब कांति के बेटे के साथ कुछ ऐसा हादसा होता है जिसकी वजह से उसे स्कूल से निकाला जाता है। अब कांति स्कूल पे ही केस कर देता है एंड देन वी ऑल नो कि आगे क्या होगा, लेकिन वो कैसे होगा वो देखना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस फिल्म का। फिल्म का ड्यूरेशन 2.5 घंटे का है लेकिन फिल्म खत्म कब होती है वो आपको पता भी नहीं चलता। इस बार जो सब्जेक्ट इस फिल्म के मेकर्स ने टच किया है दैट इज वेरी बोल्ड एंड ऐसा नहीं है कि ये कोई फेल्ड अटेम्प्ट है, जो भी किया है काबिले तारीफ किया है। बहुत सारी चीजों पे ये कैरेक्टर डायरेक्टली बात कर रहे हैं फिल्म में जो आपको अनसेटल भी करेगा, इक्वली वो आपको उसके बारे में सोचने पे भी मजबूर करेगा। फिल्म में कई ऐसे मोमेंट्स हैं जहां आपको गूज़बम्स फील हो गए, आप तालियां बजाओगे, आप कैरेक्टर्स के लिए चीयर करोगे और फिर आप महादेव जी की नोन कोट्स को कैरेक्टर के साथ रिसाइट भी करोगे। फिल्म को जिस टॉपिक पे बात करनी है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये फिल्म अपना ट्रैक पहले हाफ एन आवर में पकड़ लेती है। फिल्म के एंड में कुछ ऐसा पार्ट है जो थोड़ा क्लीशे फील हो सकता है लेकिन उससे आपका फिल्म देखने का मजा जरा भी खराब नहीं होता। पंकज त्रिपाठी ऐसा कांति मुद्गली से ट्रीट टू वॉच, उनके स्वभाव में एक भोलापन है एंड फिर वो ठहरे भोलेनाथ के भक्त। एक अच्छी कैरेक्टर राइटिंग को पंकज जी ने अपने एक्टिंग से और एलिवेट कर दिया है। ही इज एफर्टलेस एज ऑलवेज। यामी गौतमी, पवन मल्होत्रा इन सबके परफॉर्मेंस स्टैंड आउट है। इनके अलावा कई छोटे छोटे कैरेक्टर है इस फिल्म में जैसे डॉक्टर का कैरेक्टर, कोर्ट के जो जज है उनके ट्रांसलेटर का कैरेक्टर, इन सब ने अपने अपने रोल में अच्छा काम किया है। स्क्रीन टाइम कम होने के बावजूद ये कैरेक्टर्स आपके ध्यान में रहेंगे एंड फाइनली अक्षय कुमार। देखो अब सीबीएफसी कुछ भी बोले लेकिन है तो ये कैरेक्टर शिवजी का ही, जिसे फिल्म में शिवजी के दूत के तौर पे दिखाया गया है। भोलेनाथ का वो भोलापन, उनका गुस्सा, हर एक चीज अक्षय कुमार ने अच्छे से डिपिक्ट की है स्क्रीन पे। स्पेशली जब जब उनका कैरेक्टर गुस्सा होता है बैकग्राउंड में हल्की सी डमरू की आवाज आती है जो अक्षय के सीन्स को अलग ही लेवल पे लेके जाती है। फर्स्ट पार्ट के कंपेयर में यहाँ अक्षय का रोल छोटा है लेकिन जितना भी है बेहतर है। एट मोमेंट इस फिल्म को जिस तरीके से अल्टर करना पड़ा या फिर कई चेंजेस करने पड़े वो फिल्म में इविडेंट है। कई बार कैरेक्टर जो बोल रहे हैं और उनकी लिपसिंग जरा भी मैच नहीं होती। 27 कट और इतने चेंजेस के बाद भी ये फिल्म इतनी बोल्ड है एंड इक्वली अपना मैसेज भी सही से डिलीवर करती है। कैन यू इमेजिन एक्चुअल कट कितना बेहतर होगा इसका। आई होप आगे ये ओटीटी पे फुल्ली रिलीज हो एंड नाउ आई एम मोर एक्साइटेड फॉर दैट वर्जन। ओवरऑल सम करने जाए तो ओ माय गॉड 2 एक बोल्ड और एंटरटेनिंग फिल्म है जो अपने मैसेज को ह्यूमर के द्वारा अपने ऑडियंस तक डिलीवर करती है। ऐसा हो सकता है इनिशियल स्टेज पे ये फिल्म आपको अनकंफर्टेबल करेगी लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कब आप इस फिल्म के लिए चीयर करना शुरू करोगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म। सो दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो कमेंट करके हमें बताइए आपको फिल्म कैसी लगी और ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।